माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेने के बाद अब ये बच्चे अपनी आज की रूटीन लाइफ जिएंगे। वीडियो के अंदर हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये बच्चे स्ट्रगल करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये हमारे प्यारे बच्चे जो एक सपने के साथ 2023 में आगे बढ़ रहे हैं, और सभी हमारी प्यारी बेटियों को, बेटों को, सभी प्यारे बच्चों को जो 8 जनवरी को सैनिक स्कूल का टेस्ट है, उसके लिए मैं पहले एडवांस में ही शुभकामनाएं देता हूं। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो बेटा, जितनी सीट्स हैं उस सीट्स की तरफ आगे बढ़ो। हो सकता है आपके लिए परमात्मा ने सुंदर सी कुर्सी बनाई हो। ध्यान रखें, स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ का सफर, मैं कई बार कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों को 10 साल से लेकर 22 साल तक अगर डिसिप्लिन तरीके से उसको लक्ष्य की तरफ आगे भेजेंगे तो आपका बच्चा जिंदगी के अंदर जरूर कामयाब होगा। अल्टीमेटली 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करेंगे जैसे आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की है, तो आपके बच्चे वैसे बनेंगे जो आप उसको चाहते हैं। तो इन शब्दों के साथ हम चलते हैं आज। यस स्वास्तिका, क्या कहना चाहते हो आज 3 जनवरी 2023 3rd Jan 2023? सर, मैं आपको एक इंग्लिश शायरी सुनाना चाहती हूँ। द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ टुडे इज योर बेस्ट टुमारो। मतलब जो जो आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे आपको उतना ही कल मिलेगा। ग्रेट। और किसको जगाना चाहते हो? सर, आज मैं अपने बुआ को जगाना चाहती हूँ। बुआ जी को जगाना चाहते हो? गॉड, बुआ जी जाग गए हैं बेटा, उनकी नाइट ड्यूटी थी, है ना? Yes, वर्किंग करके आए हैं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपकी जो आज की प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन की तरफ और अच्छे तरीके से ध्यान दें। यस कृति, कैसे हो आप? फाइन। यस बेटा, क्या कहना चाहते हो, किसको जगाना चाहते हो? यूवी को जगाना चाहते हो? गुड। यूवी इस बात को सुने और जागे, और क्या कहना चाहते हो? कि वो जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे और शेक पिए। गुड, शेक पिए। यस, चलते हैं धनंजय की साइड। यस धनंजय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यस बेटा, किसको जगाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया वाली बुआ को जगाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो अभी पता नहीं कौन सा टाइम होगा भाई, इंडिया के अंदर तो ये टाइम है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली बुआ जाग जाए। और क्या कहना चाहते हो आप? एक्सरसाइज करे और शेक पिए। ये आपको बड़ी मम्मी ने बताया, थोड़ा सा हेल्दी हो गए हैं वो, कोई बात नहीं बेटा, वहाँ का पानी उनको शूट नहीं किया होगा, उनकी टमी बाहर आ गई होगी, तो और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे वो। बोलो। गुड, बातें कम काम ज्यादा, वर्क मोर टॉक लेस, गुड। यस बेटा, अभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस टेल। यस बेटा, अपने बहन रूप को जगाना चाहती हूँ। गुड, रूप जी जाग जाए आप। यस yes. और क्या कहना चाहते हो? सुबह जल्दी उठें। गुड, आज देखो कितने दिनों से ये अपनी रूटीन को बनाए हुए हैं। यस पुष्कल जी, किसको जगाना चाहते हो? सर, गर्वित। गर्वित को जगाना चाहते हो? पहले वाले जाग गए हैं सारे? सर, उनमें से एक दो जाग गए। एक दो जाग गए हैं, अच्छी बात है, सबको जगाओ बेटा, परमात्मा आपने यही ड्यूटी लगाई है। और आपके पेपर है 8 जनवरी को, पूरी तैयारी है आपकी? गुड। यस बेटा, बताएं कुछ कहना चाहते हैं? यस को मैं अपने दोस्त गर्वित को दोबारा जगाना चाहूंगा, 2 दिन जाग कर फिर सो गया वो। और यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ बड़ा करना हो, कुछ बड़ा हासिल करना हो, आंख बंद करके अपने माता पिता का नाम याद करें, वो काम आपका जरूर सक्सेसफुल होगा। गुड, आंख बंद करके माता पिता का नाम ले, वो काम जरूर सक्सेस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का इतना ही है कि आप अपने बच्चों को ये दिखाएं कि अगर ये बच्चे सुबह उठ के अपने लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं और एक
हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, आधे एक घंटे की एक्सरसाइज के बाद अपना शेक ले सकते हैं, तो आपके बच्चे क्यों नहीं ले सकते। सरकार की तरफ से आपने देखा है विंटर ऑफ हो चुका है, इस विंटर ऑफ के अंदर ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को 11 बजे तक आप जगा रहे हैं, 10 बजे तक जगा रहे हैं, सुबह सुबह उनको फास्ट फूड खिला रहे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से परवरिश करनी पड़ेगी, उसका रूटीन सर्दी गर्मी आंधी तूफान एक जैसा रखना होगा, और अपने बच्चे को सुबह की इम्पोर्टेंस को दिखाना होगा, क्योंकि जो सूरज को जगाते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और सूरज जिनको जगाता है वो कभी भी इतिहास लिखने की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। वो ध्यान रखें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मॉर्निंग में उठ के जो समय मिला है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक का, इस 9 बजे तक के सफर को एक अच्छे तरीके से लाइफ जिए, और स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ की तरफ आपको ले जाने की तरफ GDS लर्निंग स्कूल सदा तत्पर तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।